कैसे जाने दो, इसी तरह जाने दिया तो मामला तो बढ़ता जाएगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। ये लो जी सारा सामान पूरा हो गया, अब मैं जाऊं। हाँ नहीं अभी रुको, दो मिनट। सलमा चाय बन गई है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। सारा सामान पूरा है जी, बेशक आप चेक कर लें, जो जो लिस्ट में लिखा सब लेकर आया हूँ। हाँ इम्तियाज वही चेक कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है लिस्ट में ये हर सामान दो दो दफा लगा हुआ है और यहाँ एक एक दफा है। यहाँ तो सब सिंगल है, यहाँ दो दफा लिखा है। जाने देना, अब आप क्या पैसे पैसे का हिसाब करेंगी। हाँ लीजिए, कैसे रहने दूँ, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, उड़ाने के लिए नहीं। क्या पता शॉपकीपर से कुछ गलती हो गई हो, जाने देना। कैसे जाने दूँ, इसी तरह जाने दिया तो मामला तो बढ़ता जाएगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। आपको पता है कि इस घर में सबसे पुराने मुलाजिम है, मामा को सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पर था, ये मेरी शादी से पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन पुराना होना ईमानदारी की जमानत नहीं है अलीज़े, क्या पता इन्हें पहले किसी ने चेक ही ना किया हो। आपके कहने का मतलब क्या है, कि हम सब लोग केयरलेस हैं, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा अलीज़े, तुम जाओ यहाँ से और आइंदा ग्रोसरी मैं साथ करने चला करूं। चल। आपके कहने से तो ऐसा ही लग रहा था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था लीजे, और तुमने जो समझना है समझो। अरे कैसी बातें कर रही है आप, पर इतनी जिम्मेदारियां पहले यहां और कितनी जिम्मेदारी लेगी। मेरा मतलब है कुछ काम मैरीन और लीजे को भी तो सौंपे ना। आपके कहने का मतलब क्या है, कि हम लोग कुछ नहीं करते, सारा काम यही करती हैं? देखो जब सब घर की राहत में हिस्सेदार बनते हैं तो जिम्मेदारियों में भी हिस्सा बांटे ना। डाली नहीं अभी तक चाय,